हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो यार, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ, बट कल मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया। वो कहता है कि सर, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक देख देख कर मेरी लाइफ बेरंग हो गई है, ब्लैक एंड वाइट हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आइए इसमें थोड़ा कलर भरे। तो मैंने सोचा कि यार पीपीटी के फॉर्म में पढ़ा के देखता हूँ बच्चों को कैसा लगता है। ठीक है, देखो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार सर ने हैंड रिटन नोट्स के अलावा पीपीटी में लिखा है तो पीपीटी में कम कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है, जो मैं हैंड रिटन नोट्स में लिखता ना वही मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, तो ये बात तो अपने दिमाग से आप निकाल दो। वीडियो देखने के बाद मेरे को ज़रूर बताना कि ये तरीका कैसा है, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही। ठीक है, और इस पीपीटी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी आप प्रिंट कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड पीपीटी के एंड में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब दे पाते हो ना तो मेरे को लगता है ये पीपीटी से पढ़ाना सही रहेगा। ठीक है, चलिए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा देखो, मेरा पेट्रियोटिज्म देख रहे हो, मैंने रिसोर्सेज ये इसको भी तिरंगे के रंग में रंग दिया। ठीक है, तो चलिए आइए चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। हम रिसोर्सेज के नाम से स्टार्ट करेंगे। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड। देखो, जो भी चीज़ एनवायरनमेंट में दे रखी हो और जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता हो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान लो मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है और मेरे सामने एक आम का पेड़ है। ठीक है, और मैंने आम का पेड़ में से एक आम तोड़ा और उसे खा लिया। ठीक है, तो क्या मेरे लिए वो पेड़ रिसोर्स है? बिल्कुल मेरे लिए वो पेड़ रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में दे रखा है वो पेड़, और उस पेड़ ने मेरी नीड को सेटिस्फाई करा है। मेरी नीड उस टाइम भूख थी, ठीक है, खाना थी, और उसने मेरी नीड को पूरा करा, तो मेरे लिए वो रिसोर्स है। आगे एक लाइन देखो, और एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इस टर्म कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने एक दो दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, मैंने न्यूज़ में देखा कि यार एक आइलैंड है, ठीक है, वो डायमंड का आइलैंड है। ठीक है, प्लैनेट है। ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो डायमंड का प्लैनेट है। बट क्या हम उसको रिसोर्स कह पाएंगे? ऑब्वियसली डायमंड भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हम उसको रिसोर्स कह पाएंगे? नहीं, हम उस डायमंड के प्लैनेट को रिसोर्स नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकली एक्सेसिबल नहीं है। हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस प्लैनेट पे जा, हमारे मार्स में जाने में पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री मार्स से आगे जा ही नहीं पाती, तो उनकी बात तो उस प्लैनेट तो वो तो सोलर सिस्टम में बहुत एंड में, उसको उस पे तो जाना हमारे लिए टेक्निकली फिजिबल भी नहीं है। चलो मान लो एक बार के लिए टेक्निकली फिजिबल भी हो जाए, बट इकोनॉमिकली फिजिबल ना हो। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि हमारे पास वहाँ पर जाने के पैसे ना हो, है ना। जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूँ कि डायमंड के प्लैनेट पर चले जाओ, तो कैसे जाओगे इकोनॉमिकली? यहाँ पर दो प्लेट मोमोज के पैसे नहीं बनते, तो इकोनॉमिकली फिजिबल तो बहुत दूर की बात है। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, इस वर्ड का मतलब मैं बताता हूँ। इस वर्ड का मतलब आप ध्यान से सुन लो। मान लो आपके सामने एक मंदिर है, आपको पता है कि मंदिर के नीचे है ना कोयले की खान है। ठीक है, आप गए और आपने MCD वालों को बुलाया और कहा कि इसको खोदो, हमें कोयले की खान मिलेगी। बट क्या आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी वाले मंदिर को तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ने देंगे। क्यों? क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम वो जो नीचे मंदिर के नीचे जो कोयले की खान है ना, हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। ठीक है, समझ आ गया ना। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ दे रखी हो जो हमारी नीड को पूरी करता हो, साथ ही जो टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, और ह्यूमन ही एक ऐसा एक पर्सन कैसे ह्यूमन ही एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज को यूज़ लायक बनाता है। ठीक है, वही एनवायरनमेंट में से, फिजिकल एनवायरनमेंट से चीज़ें लेता है और टेक्नोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूशन में चीज़ें वगैरह भेजता है। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे पेपर हो गया, हम पेपर बनाने के लिए पेड़ लेते हैं एनवायरनमेंट से, उसको टेक्नोलॉजी से करके उसको पेपर बनाते हैं और फिर इंस्टीट्यूशन वगैरह में भेजते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आपको लगता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज भगवान के दिए हुए ही हैं या नेचर के दिए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपकी आपका स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल में जो नॉलेज आपको दी जाती है, पढ़ाई दी जाती है, क्या वो किसी एनवायरनमेंट ने दी है? नहीं, एनवायरनमेंट ने नहीं दी, वो हमने डेवलप करी है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज को, इसको भी तिरंगे के रंग से रंगा है, सही देशभक्त हूँ मैं भी।
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज को किस किस किन किन बेसिस पे क्लासिफाई करा है। तो सबसे पहले तो किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है वो रिसोर्सेज हमें मिले कहाँ से हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अब इसको भी हम दो, देखो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो आपको इसी फॉर्म में बना के आना, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लो चार्ट बनाकर करते हो ना अपना आंसर, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, देखो मेरे को यहीं से पता चल रहा है, अगर मैं सिर्फ यही देखता हूँ तो मेरे को साफ पता, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और मैं ये लिखता हूँ ना, तो टीचर को साफ देखकर पता चल रहा है ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, चार वर्ड दिख रहे हैं पूरे नंबर। उसको यहाँ से दिख जाएगा कि यार उस बच्चे ने जब यहीं सही लिखा तो नीचे तो सही लिखा लिखा होगा, ये मैंने पढ़े भी नहीं फिर भी ये देखकर बता सकता हूँ कि सही लिखा होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्लो चार्ट ज़रूर बनाया करो एग्जाम में, ठीक है, टीचर पे बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम किस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से जो रिसोर्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक क्या होते हैं, सिंपल है यार, जो जिंदा चीज़ होती है ना, लिविंग थिंग होती है, जो रिसोर्स लिविंग होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, फिशरीज हो गई, मछलियाँ हो गई, लाइफ स्टॉक हो गई, फ्लोरा और फोना हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो बायोटिक रिसोर्स है। मतलब वो जो मैं आम कह रहा था ना पेड़ का, वो बायोटिक रिसोर्स में आएगा, ठीक है। अब अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग यानी रॉक, पत्थर, मिनरल, मेटल, सॉरी मिनरल तो नहीं, मेटल वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये अबायोटिक होते हैं, जिंदा नहीं होते, सांस नहीं ले पाते, बट पेड़ पौधे तो सांस लेते हैं ना, तो बायोटिक अबायोटिक समझ आ गया। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमें क्लियर हो चुका है। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी खत्म होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में दो टाइप के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये तो पता ही होगा यार आपको। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड अमाउंट में है, जैसे कि सोलार एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड, जो जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकल प्रोसेस से हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलार एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। आपको पता है विंड एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती, अनलिमिटेड अमाउंट में है, तो उसे कहेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और एक और बात बता दूं यार, कभी कभी आपको एग्जाम में आता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स को किस और नाम से जानते हैं, तो रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं उसको, ठीक है जी, ये याद रखना आपको। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, ये भी बहुत ईजी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और हम उसको बिल्कुल बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, पूरे के पूरे अर्थ पे लिमिटेड है वो, ठीक है, और बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बट इसको हम रिसाइकल और रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल बोले तो कोल, कोयला, कोयले को एक बार जला लो, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उसको, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी आपको क्लियर हो गया ना कि कितनी जल्दी खत्म होते हैं, नॉन रिन्यूएबल को बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, इसका एग्जाम्पल कोल। अब करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी वो मालिक कौन है उसका। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में एक, दो, तीन, चार बेसिस में बटे हुए होते हैं रिसोर्स, ठीक है। एक तो इंडिविजुअली रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है जो किसी प्राइवेट बंदे का हो, जैसे कि मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो मेरा है, वो किसी और का नहीं है, ठीक है। माता रानी करे मेरे को लैम्बर्गिनी भी मिले, बट अभी तो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स कार ही, मतलब फ़ोन ही है, ठीक है। दूसरा करते हैं हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स वो होते हैं जो यार किसी कम्युनिटी की हो, कम्युनिटी के यानी ओके, देयर आर द रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। आप जैसे कि मैं आपको कहूँ आपके सोसाइटी का पार्क, वो आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, ठीक है, वो आपकी कम्युनिटी का है, वो सिर्फ आपका नहीं है। मेरा फ़ोन मेरा है, वो मेरा प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्स है, बट कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स यानी आपकी सोसाइटी का है। आपकी सोसाइटी में अगर आप खेल रहे हो तो आपकी सोसाइटी का दूसरा बंदा ये आकर नहीं कह सकता कि तुम जाओ, तुम इसे ओन नहीं करते, मैं करूँगा, मैं यहीं पर, मेरा पार्क है, ऐसा नहीं कह सकता वो, क्योंकि कम्युनिटी का है, ठीक है। तीसरा होता है नेचुरल रिसोर्स। अब ये ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स होते हैं ना, उसको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। यानी चलो पहले पूरा सुन लो, जो भी रिसोर्स होते हैं एक कंट्री के अंदर, उसको नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। और साथ ही में उसकी जो बाउंड्री होती है ना, जैसे कि उसकी बाउंड्री के 22.2 किलोमीटर के कोस्ट का एरिया भी नेचुरल उसके कंट्री के रिसोर्स में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको,
जैसे कि इंडिया का मैप दे रखा है आपकी बुक है, तो देखो ये इंडिया का जो पूरा इंडिया ऊपर की साइड भी है, जो पूरा इंडिया है वो तो नेशनल रिसोर्स में आता ही आता है। नेशनल रिसोर्स में जो यहाँ पर ये कोस्ट में, कोस्ट के पास 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, यानी यहाँ मान लो ये 22 पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 पॉइंट किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच का जो भी एरिया आएगा ना वो इंडिया के अंदर ही आएगा, वो हमारा नेशनल रिसोर्स ही कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई बोट पाई जाती है किसी और कंट्री की, तो वो किसी और कंट्री की नहीं, वो इंडिया की बोट मानी जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया। एग्जाम में क्या आता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल रिसोर्स में कितने कितना किलोमीटर में ना पूछकर आपसे नॉटिकल माइल्स पूछ सकता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स होता है 22.2 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना, कोस्ट के पास से 22.2 किलोमीटर का एरिया भी नेशनल रिसोर्स में आता है। ओके जी, नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्स ये होता है, देखो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अभी अभी मैंने बताया 22.2 किलोमीटर के तक का एरिया जो आता है वो इंडिया के अंदर ही आएगा, बट इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, जो किसी भी कंट्री के, मान लो बहुत सारी, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये इमेज देख रहे हो आप, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया इंडिया के 22 किलोमीटर, अब किसी जो भी एरिया किसी भी कंट्री के 200 किलोमीटर के बाद आता हो ना, वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहला पाएगा। जैसे कि देखो, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 किलोमीटर हो रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 किलोमीटर हो रहा है, और इसके आसपास कोई कंट्री नहीं है, तो जो अंटार्कटिका है ना हमारा, ठीक है, अंटार्कटिका वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो किसी भी कंट्री के 200 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता। ये देखो, इसके आसपास कोई भी 200 किलोमीटर तक कोई कंट्री नहीं है, तो यानी अंटार्कटिका किसी का भी नहीं है, अमेरिका का, इंडिया का, किसी का नहीं है। ठीक है, उसको अगर हमें यूज़ करना है ना, तो हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूएन, यूएन एक ऐसी नाम सुन रहे होगे अभी आप, ठीक है, नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हम अंटार्कटिका में कोई यूज रिसोर्स को, अंटार्कटिका को यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स। ओके, 200 नॉटिकल माइल्स कहते हैं उसको, याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, याद रखना इसको, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसमें 12 नॉटिकल माइल्स है, इसमें 200 नॉटिकल माइल्स, यानी पढ़ देता हूँ मैं, देयर आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू बींग द ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज विदाउट द को करेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ गए ना, जो 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे से बाहर आता हो किसी भी कंट्री के। ठीक है जी, तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी समझ आ गया, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में चार टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जैसे कि जो एक एरिया के अंदर है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसे यूज़ करने की, बट हम उसे फुल्ली यूटिलाइज या फुल्ली यूज़ नहीं कर रहे। आप कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि मान लो आपको पता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो वहाँ पर सोलार एनर्जी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो सकती है ना, हर जगह सोलार पैनल लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट अभी भी हम उसको पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहे, तो ये होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी उसमें पोटेंशियल तो है बट अभी हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं कि जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें मालूम होती है, मतलब हमें पता होता है कि ये हमारे अर्थ पे कितनी मौजूद है। देखो, अगर मैं पोटेंशियल रिसोर्स की बात करूँ, मैं आपसे पूछूँ कि सोलार एनर्जी कितनी है, तो आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्या बताओगे, किलो ग्राम, ऐसे तो नहीं बता पाओगे। बट डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी आप बता पाओ कि कितने किलोमीटर, कितने किलो हैं, कितने, जैसे कि जैसे बहुत सारे, जैसे कि एक खान है, एक खान का मतलब एक माइल, एक मील है, कोल की माइल है, माइल में मील में बता सकते हो कि कोयले की खान में कितना कोयला है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हो आप कितना कोयला है, तो वो एक डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएगा, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी।
ठीक है, वो कोल, वो होते हैं डेवलप रिसोर्सेज। दोबारा बताता हूँ, वो रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बिन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें मालूम है और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिसमें कोल एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जो एनवायरनमेंट में दे तो रखे हैं, एनवायरनमेंट में गिवन है, बट अभी तक हम उसको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन वाटर के अंदर, आपको पता है कि वाटर का जो केमिकल, मतलब वाटर का जो नेम होता है उसको हम H2O कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट जब भी हम पानी के अंदर जाते हैं ना, हम सांस नहीं ले पाते, तो उस पानी के अंदर से हम कैसे ऑक्सीजन निकाल के सांस ले पाए? ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं ना, हम पानी के अंदर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, बट हम तो इसी को हम कहेंगे स्टॉक, जो जो हम नेचर के अंदर दे तो रखा है बट हमारे पास उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको कहेंगे हम स्टॉक। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अगर कुछ समझना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चौथा होता है रिजर्व। हमारे रिजर्व वो होते हैं कि जिसको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ है बट हम उसे यूज़ नहीं कर रहे अभी। क्यों नहीं कर रहे? हम उसको हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हैं। जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, हम चाहे तो एक ही दिन के अंदर काट सकते हैं सारे के सारे पेड़, ठीक है, बट हम काट नहीं रहे। ठीक है, अभी आपने बहुत सारी वो भी सुनी होगी न्यूज़ वगैरह के, पेट्रोल वगैरह को बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ऐड आती है कि आप पेट्रोल सेव करो, रेड लाइट पे गाड़ी बिल्कुल ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये वही रिजर्व वही होते हैं कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसे यूज़ करने की, बट हम उसे अभी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हैं। ओके यार, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरा ख़त्म होता है, आई होप आपको समझ आया हो। अब आता है स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप मेरे को येस और नो में आंसर बताना। देखो, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, येस और नो बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 येस और नो आंसर होगा जो भी, क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बुक आर नॉन बायोटिक, आपको क्या लगता है बुक बायोटिक है या नॉन बायोटिक रिसोर्स में आता है? येस और नो बताओ। जो पार्क है वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स में आता है या नहीं आता? येस और नो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, अंटार्कटिक है वो नेशनल रिसोर्स में आता है या नहीं आता? अगर नहीं आता तो किस में आता है ये बताओ। जो मेरा फ़ोन है पर्सनल रिसोर्स में आता है या नहीं आता वो बताओ। ठीक है, पर्सनल या इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है या नहीं आता वो बताओ। ओके यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करे बिना और कमेंट करे बिना मत जाना यार। ठीक है, बेशक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो बट आई होप आप आते रहोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा इसका, अभी ये रह रहा है, पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, रह रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। न्यू चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। और साथ ही में इन क्वेश्चन का आपको जवाब भी देना और ये भी बताना है कि ये तरीका आपको सही लगा या नहीं लगा। ओके यार, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।